मैं हूँ मानसी राठौर। मध्य प्रदेश में आगामी 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी सावेर में हर घर तुलसी पौधा वितरित कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी हर घर में आधा लीटर गंगा जल वितरण करने जा रही है। इस अभियान का नेतृत्व कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल करेंगी। अर्चना जायसवाल का कहना है कि 27 में से 25 विधानसभा अहम है, जिनमें कांग्रेस से धोखा करके सरकार गिराकर भाजपा में शामिल होने वालों को कांग्रेस का वोट मिला था। अब हम मतदाता को गंगा जल देकर उनका वोट जो अपवित्र हो गया था उसे पवित्र करेंगे और आगामी उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए कहेंगे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत आज इंदौर शहर से होने जा रही है। आप सभी को पता है जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त करके जो भाजपा ने सरकार बनाई है वो जिस तरह से अनैतिकता दिखी है और जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई है, उसके लिए हिमांशु यादव जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से शुद्ध के लिए युद्ध योजना बनाई, जिसके अंतर्गत जो 27 विधानसभाओं में चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, वहां पर इनकी पूरी टीम पूरी जाएगी और वहां पर जनता को बताएगी कि किस तरह के कारनामे भाजपा की सरकार ने करे हैं और 15 साल में जो कमलनाथ जी की सरकार की उपलब्धियां हैं हमारी कांग्रेस सरकार की, उन उपलब्धियों को जनता तक ले जाया जाएगा और भाजपा का भ्रष्टाचार उजागर किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये लोग किस तरह से ये लोग सत्ता पे काबिज हुए हैं। ऐसी कोरोना जैसी महामारी को भी नजरअंदाज करते हुए जिस तरह सत्ता पर हासिल हक हासिल करा है वो जनता के सामने लाएंगे और पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोगी बनेंगे। और